दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने पासपोर्ट साइज फोटो को हम फुल HD क्वालिटी में कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रिंटर की वो कौन सी सेटिंग है जिसे कि आप सेट करके आप अपने फोटो को HD क्वालिटी में प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो मैंने बनाया है अपने फोटोशॉप में। अगर आप इसे प्रिंट करते हैं फाइल पे जाके और डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो इसका जो क्वालिटी है वो काफी खराब आएगा, इससे आपका फोटो जो है वो HD क्वालिटी में प्रिंट नहीं होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पासपोर्ट साइज फोटो बनाया हुआ है। अगर आपको नहीं मालूम है कि पासपोर्ट साइज फोटो फोटोशॉप 7.0 में कैसे बनाया जाता है तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देख के सीख सकते हैं कि पासपोर्ट साइज बनाने का सही तरीका क्या है और किस तरीके से फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फोटो बनाया जाता है। सो जैसा कि हमने यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो एक बनाया है, यहाँ पे आप कोई भी फोटो आप बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पासपोर्ट साइज फोटो ही रहे उसे ही आप HD में प्रिंट करें। आपने कोई भी फोटो अगर बनाया है और उसे आप HD क्वालिटी में प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली करना क्या है, जैसे कि मैं इस पेज को प्रिंट करना चाहता हूँ, आपको जाना है फाइल पे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट विथ प्रीव्यू, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्केल टू फिट मीडिया का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको टिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो फोटो है वो साइड साइड से कटेगा नहीं, प्रॉपरली इस पे प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है प्रिंट का, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे मैं जो सेटिंग करने वाला हूँ उसे आपको ध्यान से देखना है, उसे अप्लाई करने के बाद आप अपने किसी भी फोटो को बिल्कुल HD क्वालिटी में प्रिंट कर पाएंगे। सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने इस फोटो को पोर्ट्रेट मोड पे प्रिंट करना चाहते हैं या लैंडस्केप पे, तो हम पोर्ट्रेट चूज करेंगे। यहाँ पे आपको पेपर टाइप चूज करना है कि आपका पेपर किस टाइप का है, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे एप्सन मैट। अगर आप मोटा वाला पेपर यूज कर रहे हैं अपने प्रिंटर पे तो आपको यही ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्वालिटी का, इस पे स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक है, तो आपको यहाँ पे हाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कलर में अगर ग्रे स्केल पे सेट है तो आपको कलर वाले पे ही टिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइज में आपको चूज करना है कि आप किस पेपर पे इसका प्रिंट आउट निकालने वाले हैं, तो हम A4 साइज पेपर पे निकालेंगे, तो आपको A4 वाला ऑप्शन यहाँ से चूज कर देना है। सो अब ये सेटिंग हमारा डन हो चुका है, आपको ओके पे क्लिक करना है और अगेन ओके पे क्लिक करना है। सो अब आप वेट करेंगे, जैसा कि आप प्रिंटर में देख सकते हैं प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये बिल्कुल HD क्वालिटी में प्रिंट हो रहा है, इसलिए काफी स्लो प्रिंट होगा, तो आपको वेट करना है जब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। सो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पतला वाला पेपर लगाया था, बट आपको यहाँ पे मोटा वाला पेपर यूज करना है, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दिखाया है। और प्रिंटिंग क्वालिटी के बारे में बात करें तो बिल्कुल HD क्वालिटी में यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट होके आ गया है। सो ये था प्रिंटर का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग जिसे कि आप अप्लाई करके अपने किसी भी फोटो को HD क्वालिटी में प्रिंट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और भी रेगुलर वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।